जय माता दी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी ट्रेन राइडर परिवार। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी छोटी से छोटी खबरें, बड़ी से बड़ी खबरें, पल पल की जानकारियां ट्रेन राइडर के थ्रू आप सभी तक साझा करते रहते हैं। वैसे ही माँ भगवती के भवन से ऊपर भैरव घाटी में हमें अभी अभी स्नोफॉल फिर से देखने को मिल रहा है। सामने जो वीडियो आप घर बैठे देख रहे हैं थोड़ी देर पहले का ही वीडियो है, जहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि भैरव घाटी में एक बार फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया है। ऐसे में माँ भगवती का पवित्र पावन दरबार अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग है। माँ भगवती के दरबार में कभी धूप खिल जाते हैं, कभी तो बारिश हो जाती है और कभी तो माता रानी की असीम कृपा से फुल आदि बरखा होने लगती है, यानी स्नोफॉल होने लगता है, बर्फबारी होने लगता है। तो घर बैठे ऐसे विजुअल्स को आप देख रहे हैं, इससे आप सब ये बात का ध्यान रखें कि अगर आप आगामी दिनों में माँ भगवती की यात्रा करने वाले हैं तो गर्म कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेकर जाइएगा, क्योंकि देखिए स्नोफॉल जब होने लगता है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा पास्ट की, तो अभी कुछ दिन पहले थोड़ी बर्फबारी कम थी और धूप निकल रहा था, लेकिन आज जो है वो भैरव घाटी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और ऐसे में बर्फबारी के कारण वहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप अपने साथ बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बुजुर्गों को लेकर जा रहे हैं, तो उनका खास ख्याल रखें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा लेकर जाएं। वहीं बात करें अगर श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन यात्रा की, तो माता रानी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, यात्रा में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। रोपवे के लिए मैंने आप सबको बताया था कि रोपवे फिलहाल 3 दिनों के लिए बंद किया गया है, 8, 9 और 10 तारीख। इसके बाद रोपवे की सुविधाएं सुचारू रूप से भक्तों को मिलने लगेंगी। और अगर बात करें माँ भगवती के पवित्र पावन यात्रा में मिलने वाली और सारी सुविधाएं, जैसे घोड़ा पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, इसके अलावा हेलीकॉप्टर, तो ये सारी सुविधाएं लगभग भक्तों को मिल जाती हैं। हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सुविधा को नहीं चलाया जाता और भक्तों को उसका पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर निकाला गया था कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा, यानी अगर आप माता रानी की यात्रा पर वीकेंड में जा रहे हैं तो आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको अब वीकेंड पे भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूरे जिलों में वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया गया है। ऐसे में जो हमारा रियासी जिला आता है, जिसमें कटरा आता है, वहाँ के रियासी के DC द्वारा भी ये ऑर्डर निकालते हुए बताया गया है कि अब किसी प्रकार से कोई भी वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा पूरे कटरा में, पूरे रियासी जिले में। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है और मैंने आपको पहले भी ये जानकारी लगभग शेयर कर दी थी। अब अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए कोरोना के नियम क्या है, तो फिलहाल कोरोना के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोरोना गाइडलाइन बिल्कुल सेम है। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है तो आपको अपने साथ वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट लेकर जानी होगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया या फिर आपने वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाई है, तो आपको अपना कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर जाने की आवश्यकता होगी, जो अगर आप अपने घर से लेकर जा रहे हैं तो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप वहाँ पर जाकर भी अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं, जो कि स्टेशन पर निःशुल्क होता है, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। तो फिलहाल देखिए माता रानी की यात्रा सभी भक्तों के लिए सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मात्रा में कपड़ा लेकर जाएं, जिससे आप ठंड से बच पाएं। इसके अलावा ऑनलाइन यात्रा पर्ची कराकर जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी कोई और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।